अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ दरगाह के अंदर, अजमेर दरगाह, जो कि पूरे इंडिया के अंदर जो मेन फेमस जो दरगाह है वो अजमेर की दरगाह है। आप जानते होंगे वैसे, जैसे ये दरगाह बाज़ार है दोस्तों, और ये दरगाह का मेन दरवाज़ा है, एंट्री का जो मेन दरवाज़ा वो ये है। बाकी इसके अलावा और भी दरवाज़ा है, लेकिन ये वाला मेन दरवाज़ा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेन दरवाज़े से मैं अंदर आ चुका हूँ, ये उसके अंदर छोटा दरवाज़ा है। अब आगे चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब मैं छोटे वाले उस दरवाजे से भी अंदर आ गया हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दाएं और बाएं हाथ दोनों तरफ डेगे बनाई हुई है। मैं डेग को पास से बता देता हूँ आपको, वीडियो को देखते रहे आप। हाँ, आपको ये डेग दिखाई दे रही है, इसमें देख सकते हैं आप पैसे डाले हुए हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ से पूरी दरगाह दिखाई दे रही है, और सामने वो पहाड़ी दिखाई दे रही है। मैं अभी आपको पूरी दरगाह बताऊंगा आगे जाके, आप वीडियो को देखते रहे। ये आप देख सकते हैं अंदर तस्बीह और सारी चीज़ें, और ये सामने मस्जिद है जहाँ नमाज अदा की जा रही है। अभी नमाज का टाइम होने वाला है, इसलिए सारे वुज़ू करके मस्जिद में जा रहे हैं। और ये सामने आप देख सकते हैं फूल है जो चढ़ाए जाते हैं, इसके लिए यहाँ पे रख रखे हैं। आप देख सकते हैं ये वाली जो है मेन दरगाह है, पास से आपको बता देता हूँ। बाहर से बहुत शानदार है, अंदर से भी बहुत ज़्यादा शानदार है। आप देखते रहे इस वीडियो को, मैं थोड़ा पास जाके अब बता देता हूँ आपको। आप देख सकते हैं कितनी शानदार इसके अंदर डिज़ाइनें दी गई है, और लाइटिंग वगैरह सारी बहुत शानदार तरीके से की हुई है। ये इसी के अंदर जो मेन दरगाह है दोस्तों, मैं अंदर कैमरे का यूज़ नहीं करना चाहूँगा, इसलिए मैं बाहर से ही आपको बता देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे वैसे यहाँ से सामने ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की कब्रगाह है, और ये आप देख रहे सामने दरवाज़ा। यहाँ जा इस दरगाह पे जाने के लिए उधर से भी दरवाज़ा है, अभी मैं आपको उधर से भी बता देता हूँ अंदर जाने के लिए, फूल चढ़ाने के लिए। ये इधर एक दरवाज़ा, और जो पीछे वाला दरवाज़ा जिससे मैं आया था वो जो सामने दिख रहा है अभी, जैसा आप देख रहे हैं। हाँ, इस दरवाज़ा जो आपको दिखाई दे रहा है, इस दरवाजे से फूल चढ़ाए जाते हैं, यहाँ से ले जाए जाते हैं। अभी मैं इसके पीछे भी जाके आपको बता देता हूँ जहाँ जन्नती दरवाज़ा है। अभी यहाँ देख सकते हैं आप कव्वाली चल रही है, कव्वाली का यहाँ हमेशा आयोजन होता रहता है, और ये आप सामने देख सकते हैं इतने सारे लोग, ये फूल यहाँ भी रखे हुए हैं, यहाँ से भी आप लेके, बहुत से लोग यहाँ से भी लेके चढ़ाते हैं। ये अंदर ही है, और मैं जन्नती दरवाज़ा आपको बता देता हूँ थोड़ा आगे जाके। दोस्तों, ये जो धागे बांध रखे हैं इसे जन्नती दरवाज़ा बोला जाता है। ये उर्स के टाइम पे ही खुलता है, बाकी नहीं खुलता है, जितना मुझे जानकारी है ये उर्स के टाइम पे ही खुलता है, आप देख सकते हैं। और मैं इसके सही पीछे ये मस्जिद है जो आपको बता देता हूँ, बहुत शानदार मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है, इसके अंदर नमाज अदा होती है, सारी नमाज अदा होती है। ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मस्जिद है, ये सामने पहाड़ी है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, आप शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी ही वीडियो मैं डालता रहूँ तो आपको मिलती रहे। वीडियो
آخری تک دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ. السلام علیکم.